अमादुद्दीन जंगी की वफात के बाद 1144 ईस्वी में उनका लायक बेटा नूरुद्दीन जंगी इनका जानशीन मुकर्रर हुआ। तख्त नशीन होने के बाद नूरुद्दीन जंगी ने मुसलमानों में जिहाद की एक नई रूह फूंक दी और सलेबियों को हर मुहाज पर शिकस्तें देते हुए अडेसा के शहर पर दोबारा काबज हो गए। मसीहियों की इन शिकस्तों की खबरें जब यूरोप पहुंची तो पोप ने एक मरतबा फिर सलेबी जंग का ऐलान कर दिया और इस तरह दूसरी सलेबी जंग का आगाज हुआ और 1148 ईस्वी में जर्मनी के बादशाह कोनराड सोम और फ्रांस के बादशाह लुई हफ्तम की क़यादत में 9,00,000 अफराद पर मुश्तमिल फौज मुसलमानों के मुकाबले के लिए यूरोप से रवाना हो गई। पहले सलेबी मारकों की तरह इन फौजियों ने भी खूब इखलाक सोज हरकतें दोबारा की। लुई हफ्तम की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सलजूकियों के हाथों तबाह हो गया। चनाचे जब वो अंताकिया पहुंचा तो इसकी 3/4 फौज बर्बाद हो चुकी थी। उसने बाकी मानदा फौज के साथ आगे बढ़कर दमिश्क शहर का मुहासरा कर लिया लेकिन वो नाकाम हुआ। लुई हफ्तम और कोनराड सोम को दोबारा यूरोप की सरहदों में धकेल दिया गया और सलेबियों की शर्मनाक शिकस्त के बाद इस तरह दूसरी सलेबी जंग का इख्तिताम हुआ। दूसरी तरफ मिस्र में फातिमी खिलाफत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। सलेबियों का इरादा था कि इस्कंदरिया पर हमला करते हुए पूरे मिस्र पर कब्जा कर लिया जाए। इस तरह एक तरफ तो शाम का सूबा मुसलमानों के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ मिस्र भी अब सलेबियों के निशाने पर था। फातिमी खिलाफत इस वक्त आपस में शदीद इंतशार का शिकार थी। यके बाद दीगर मुख्तलिफ बादशाहों को महल के अंदर ही कत्ल किया जा रहा था। महलाती साजिशों के पास मिस्रियों में ये सलाहियत ना थी कि वो सलेबियों का मुकाबला कर सकते। इस खतरे के पेश नज़र के सलेबी मिस्र पर चढ़ाई कर देंगे, खलीफा ने नूरुद्दीन जंगी से दरख्वास्त की कि एक लश्कर भेजा जाए जिसे मिस्र की हिफाजत के लिए मुतय्यन किया जाए। लहजा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने बेहतरीन सिपा सालार असदुद्दीन शेर को उनके भतीजे सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मिस्र रवाना किया। असदुद्दीन शेर को की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया। मिस्र के लिए सलेबियों का ख़तरा तो टल गया था लेकिन इस दौर में फातिमी खिलाफत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि इसका अपने पाँव पर खड़ा होना नामुमकिन था। लहजा खलीफा आज़द की वफात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में अब्बासी खिलाफत का खुतबा राइज कर दिया। मिस्र का खुद मुख्तार हुक्मरान बनने के बाद सुल्तान ने सलेबियों के खिलाफ जहाद को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन करार दे दिया। मिस्र के अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मोसल, हलब वगैरह के इलाके भी फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। इसी दौरान सलेबियों के साथ सुलह का 4 साला मुआहदा तय पा चुका था जिसकी रूह से दोनों फरीकैन एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे लेकिन ये मुआहदा महज कागजी और रस्मी साबित हुआ और सलेबी बदस्तूर अपनी अश्ताल अंगेजियों में मसरूफ रहे। बैतुल मुकद्दस शरीफ फतह करने से पहले सुल्तान की जंगी हिकमत अमली ये थी कि बैतुल मुकद्दस के आसपास के तमाम इलाकों और किलों को फतह कर लिया जाए और वो सप्लाई लाइन तोड़ दी जाए जो सलेबियों को बैतुल मुकद्दस शरीफ के अंदर कमक पहुँचा रही थी। इसलिए सुल्तान ने फलस्तीन में इंतहाई तेज़ रफ्तार छापा मार दस्ते तैयार कर रखे थे। जहां सलेबी कोई नया किला तामीर करते वो दस्ते इस पर हमला करके इसकी सप्लाई लाइन काट देते थे लेकिन सलेबी फौजों को समुंदर के रास्ते मुस्तकिल इमदाद और कमक पहुंच रही थी। 1180 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने खुद अपना बहरी बेड़ा तैयार किया और बेरूत के किले पर हमला आवर हुए। तब पहली बार सलेबियों को एहसास हुआ कि अब इन्हें समंदर में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। 1186 ईस्वी में जब रेनाल्ड ने मुसलमानों के एक काफले को लूटा तो इस वक्त मुसलमानों और सलेबियों के दरमियान अमन का मुआहदा तय पा चुका था। इसके बाद जब रेनाल्ड ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की
तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कसम खाई कि इस गुस्ताखे रसूल का सर वो अपने हाथों से कलम करेंगे। 1186 ईस्वी में मसीहियों के एक ऐसे ही हमले में रेनाल्ड ने यह जसारत भी की कि बहुत से दीगर मसीही उमरा के साथ मदीना मुनवरा पर हमले की गरज से निकला, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई ने उनके इस हमले को नाकाम बना दिया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ये चाहते थे कि सलेबियों को खुले मैदान में दावत दी जाए और वहां इनको शिकस्त देने के बाद बैतुल मुकद्दस शरीफ की जानब पेशकदमी की जाए। सुल्तान की ये ख्वाहिश भी जल्द ही पूरी हो गई और सलेबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर सुल्तान के मुकाबले के लिए बाहर निकला। सुल्तान की फौज जब इस लश्कर के करीब पहुंची तो सुल्तान ने इस सारी सूरत हाल का जायजा लिया। सलेबियों की फौज पानी के बहुत करीब थी और इसे पानी की रसाई हासिल थी, लहजा यहाँ इनके खिलाफ जंग करना फ़ायदेमंद नहीं था। इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलेबियों को उनके मोर्चों से बाहर निकालने के लिए एक अस्करी चाल चली। इस इलाके के नज़दीक एक छोटा सा किला था जहाँ पर सलेबियों के ख़ानदान यानी औरतें और बच्चे मौजूद थे। सुल्तान ने महज एक हिकमत अमली के तहत इस किले पर हमला किया ताकि दूर मोर्चा बंद सलेबी फौज घबरा कर अपने मोर्चों से बाहर निकल आए। चनाचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस किले का मुहासरा कर लिया और चंद ही दिनों में किले पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया और फिर वही हुआ कि जिसकी सुल्तान तवक्को कर रहे थे। सलेबियों ने अपने मोर्चों से बाहर निकल कर किले के दिफा के लिए किले की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। रास्ते में जगह जगह बैठे मुसलमान घुड़सवार दस्ते सलेबियों पर हमला करके इनकी पेशकदमी रोकते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि जिस रफ्तार से सलेबी पेशकदमी करना चाह रहे थे वो इसमें बुरी तरह नाकाम रहे। मुसलमानों के हमलों की वजह से इनकी रफ्तार मजीद आहिस्ता होगी और आखिरकार मगरब के वक़्त तक सलेबी फौज पानी से कई किलोमीटर दूर हत्तीन की ऊँची पहाड़ी तक पहुँच सकी। मुसलमान फौज ने अब चारों इतराफ से सलेबी लश्कर का मुहासरा कर लिया। जूं ही सलेबी फौज ने पानी के पास से अपना पड़ाव छोड़ा, सुल्तान ने फौरन अपने घुड़सवार दस्तों को पानी और सलेबियों के दरमियान दाखिल करके इनकी पानी तक रसाई बंद कर दी। इस सूरत हाल से अब सलेबी मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुके थे। सूरत हाल ये थी कि तमाम सलेबी फौज हत्तीन की पहाड़ी पर मौजूद थी जिसे चारों अतराफ से मुसलमान फौज ने घेर रखा था। इन हालात में सलेबियों का पानी तक पहुंचना नामुमकिन था और जिस किले के दिफा के लिए सलेबी लश्कर रवाना हुआ था वो अभी तक मुसलमानों के मुहासरे में ही था। अचानक मुसलमान फौज ने किले का मुहासरा ख़त्म कर दिया और मुकम्मल कुव्वत के साथ हत्तीन के मैदान में इकट्ठे हो गए। इस तमाम मुहासरे को तोड़ने के लिए सलेबी फौज ताबड़तोड़ हमले कर रही थी। इस मौके पर मुसलमान फौज ने सलेबी फौज का रास्ता रोककर इनको हत्तीन की इस पहाड़ी की तरफ धकेल दिया जो बाद में इनका कब्रिस्तान बना। हत्तीन के मैदान में अभी सलेबी फौज को सिर्फ दो ही दिन गुजरे थे कि इनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी। कई नाइट्स ने मुसलमानों के सामने अपने हथियार डाल दिए और सलेबी फौज की हालत से आगाह किया, जिसके मुताबिक सलेबी लश्कर के पास ना तो घोड़ों के लिए और ना ही अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी था। सलेबी फौज के इस अजाब में इजाफा करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने लकड़ियों के बड़े बड़े अंबार जमा करवाए और हवा के रुख को मद्देनज़र रखते हुए इन लकड़ियों को आग लगवा दी, जिसके नतीजे में धुएँ और गर्मी ने भी इस प्यासी सलेबी फौज को अपनी लपेट में लेकर इनकी कमर मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख दी। इस सारी सूरत हाल की वजह से सलेबी फौज नफसियाती और जिस्मानी तौर पर इस हद तक कमज़ोर हो गई थी कि सलेबी फौज के सिपाहियों ने खुदकुशियाँ करना शुरू कर दी ताकि वो मुसलमानों के हाथ ना लगें। टेम्पलर और नाइट्स दस्तों की शक्ल में पूरी कुव्वत के साथ बारी बारी पहाड़ी से उतर कर मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ने की कोशिश करते ताकि किसी तरह दरिया तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके, मगर मुसलमान फौज हर दफ़ा इन्हें शिकस्त देकर पसपा कर देती। कई मरतबा सलेबियों ने अपने दस्तों को मुनज़्ज़म करके
इस कदर शदीद हमले किए कि सुल्तान के जाती पड़ाव के इंतहाई करीब पहुंच गए। सुल्तान का बेटा सुल्तान के साथ खड़ा था और वो इन हमलों की वजह से परेशान हो गया, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर शिकन तक न आई। जब सलेबियों को वापस मार भगाया गया तो सुल्तान का बेटा चिल्ला उठा कि हमें फतह हासिल हो गई, मगर सुल्तान ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। दूसरी मर्तबा भी सलेबियों ने इसी तरह हमला किया और दोबारा सुल्तान तक पहुंच गए, लेकिन इन्हें दोबारा शिकस्त देकर मार भगाया गया। दूसरी मर्तबा सुल्तान के बेटे ने कहा कि अब हम जीत गए। सुल्तान ने फिर कहा कि नहीं, अभी नहीं। सुल्तान ने मजीद कहा कि जब तक इनका वो सुरख खैमा अपनी जगह पर कायम है, यानी जब तक इनके बादशाह का खैमा अपनी जगह पर कायम है, ये हथियार नहीं डालेंगे। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने लश्कर को हुक्म दिया कि जवाबी हमला किया जाए। चनाचे मुसलमानों ने बराए रास्त इस थकान से चूर प्यासी फौज पर यलगार कर दी। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद या तो मैदान जंग सिर्फ लाशों से भरा हुआ था, या वो कैदी थे जिन्होंने अपने आप को मायूसी के आलम में मुसलमानों के हवाले कर दिया था। इन कैदियों में कई सौ टेम्पलर और नाइट्स भी थे। हाल ये था कि एक एक मुसलमान सिपाही 30-30 सलेबियों को रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ लेकर जा रहा था, जो सबसे बड़ी जिल्लत सलेबियों का मुकद्दर बनी कि जिसे वो आज तक नहीं भूल पाए। वो सलेब जिस पर इनका दावा था कि नाऊज़ु बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दी गई थी, वो सलेब मुसलमानों के हाथ लगी। इस सलेब के मुसलमानों के हाथ लगने के बाद पूरी ईसाई दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। इससे ज़्यादा जिल्लत अमेज शिकस्त के जिसमें इनका मुकद्दस तरीन ट्रू क्रॉस यानी असली सलेब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कब्ज़े में चली गई। जंगे हितीन के बाद जब रेनाल्ड को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने पेश किया गया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने रेनाल्ड को अपने पास बुलाया और उसको वो गुस्ताखाना अल्फाज याद दिलाए जो उसने काफिला लूटने के दौरान एक मुसलमान को कहे थे। इसके बावजूद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इसको एक और मौका दिया और इस्लाम कबूल करने की पेशकश की। जब उसने इनकार किया तो सुल्तान ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये सब देखकर बादशाह जेफरी पर दहशत तारी हो गई। सुल्तान ने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि बादशाह बादशाहों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करते, लेकिन इसने गुस्ताही की वो हद पार कर दी थी कि मुझे इसका सर अपने हाथों से कलम करना पड़ा। जंगे ही तीन तारीख में एक फैसला कुन जंग तसव्वुर की जाती है। ये वो सबसे बड़ी जंग थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फलस्तीन के इलाके में लड़ी थी। इस जंग के नतायज ने तारीख का धारा बदल कर रख दिया। ये वो खूनरेज जंग है जिसमें सलेबियों को मुकम्मल तौर पर कुचल कर रख दिया गया था। तमाम बड़े बड़े सलेबी इलाके सुल्तान के कब्जे में आ गए और मुसलमानों के लिए बैतुल मुकद्दस शरीफ का रास्ता मुकम्मल तौर पर खुल गया। ये वो जंग थी जिसने सलेबी जंगों की तारीख का पांसा पलट दिया। इस जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद सलेबी फौजें इस काबिल ही ना रहीं कि बैतुल मुकद्दस शरीफ का दिफा कर सकती। दूसरी जानब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने शाम, फलस्तीन और लबनान के तकरीबन तमाम इलाके फतह कर लिए थे, जिसकी वजह से बैतुल मुकद्दस शरीफ की फतह का रास्ता मुकम्मल तौर पर हमवार हो गया था। जंगे हितीन का शुमार उम्मत मुसलमा की तारीख की इन बड़ी बड़ी जंगों में होता है जहां मुसलमानों को अरूज बख्शा गया और अल्लाह और इसके रसूल के दुश्मन जलील और रुसवा हुए।